नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज भारत फिर से एक ऐसी दिक्कत में आन खड़ा हुआ है, एक ऐसे दोराहे पे आन खड़ा हुआ है कि एक तरफ रसिया है तो एक तरफ 31 देश, एक तरफ रसिया है तो एक तरफ पूरी ताकत दुनिया की उसके साथ आने को तैयार है। जी हाँ, जहाँ पश्चिमी देशों ने एक तरफ यूक्रेन को जो हवाला दिया था, वही आज भारत के लिए भी ऑफर है। उनका कहना है, नाटो का कहना है, नाटो एक 31 देशों का समूह है जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य समूह माना जाता है, उसकी तरफ से भारत को ऑफर है कि अगर भारत चाहे तो उसमें एंट्री ले सकता है और भारत के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। लेकिन आपको पता है कि उनकी कुछ शर्तें ये होंगी कि सबसे पहले उसे रसिया का विरोध करना होगा, जैसे कि पश्चिमी देश और नाटो करता है। तो क्या भारत को उसके साथ जाना चाहिए? आप ये पूरी वीडियो देखिए और उसके बाद हमें जवाब जरूर दीजिए। साथ ही साथ कमेंट्स करके जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। भारत को अचानक एक ऐसा ऑफर मिला है जो कई देशों को हैरान कर रहा है तो कई देशों को परेशान। ये ऐसा ऑफर है जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो गई। पश्चिमी देशों ने जो लालच यूक्रेन को दिया था, अब वही लालच वो भारत को दे रहे हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर मिलिट्री संगठन नाटो भारत से हाथ मिलाना चाहता है। नाटो में अमेरिकी राजदूत जूलियन स्मिथ ने कहा है कि अगर भारत चाहे तो नाटो के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। आपको बता दें कि नाटो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। भारत को ये ऑफर ऐसे समय पर मिल रहा है जब रूस का एक पड़ोसी देश फिनलैंड 4 अप्रैल यानी आज ही के दिन नाटो में शामिल हो रहा है। फिनलैंड के शामिल होते ही नाटो अब 31 देशों का समूह बन जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत को नाटो का ये ऑफर स्वीकार करना चाहिए? आपको बता दें कि कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत को नाटो का हिस्सा बनना चाहिए, लेकिन ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नाटो में शामिल होना भारत के लिए ठीक नहीं है। जो लोग इसके पक्ष में हैं, उनका कहना है कि भारत अगर नाटो का सदस्य बनता है तो उसे दुश्मनों से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच मिल जाएगा। नाटो संधि के अनुच्छेद 5 के मुताबिक अगर कोई बाहरी देश किसी नाटो देश पर हमला करता है तो उसे बाकी सदस्य देशों पर भी हुआ हमला माना जाएगा और उसकी रक्षा के लिए सभी देश मदद करेंगे। उदाहरण के लिए अगर चीन कभी भारत पर हमला करने की कोशिश करता है तो ये हमला नाटो के 31 देशों के खिलाफ माना जाएगा। लेकिन क्या ये इतना बड़ा कारण है कि भारत नाटो ज्वाइन कर ले? जो लोग नहीं चाहते कि भारत नाटो का सदस्य बने, अब आप उनके तर्क भी सुन लीजिए। नाटो का सदस्य बनने से भारत और रूस के बीच जो मजबूत संबंध है वो टूट जाएंगे। भारत अभी भी रूसी सैन्य उपकरणों पर बहुत अधिक निर्भर करता है, इसीलिए नाटो में शामिल होने का विचार भारत के लिए ठीक नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिर्फ चीन की वजह से नाटो में शामिल होना बेवकूफी है। चीन छोटी मोटी घुसपैठ तो कर सकता है, लेकिन भारत पर हमले की हिम्मत नहीं कर सकता। नाटो में शामिल होने का एक बड़ा नुकसान ये भी है कि भारत दुनिया भर में चल रही अलग अलग लड़ाइयों का भागीदार माना जाएगा। भारत को बेवजह नाटो के 31 देशों के आपसी झगड़ों में शामिल होना पड़ेगा। भारत के नाटो में शामिल होते ही रूस और चीन इतना नज़दीक आ जाएंगे जिसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। ये स्थिति भारत के लिए कहीं ज़्यादा खतरनाक होगी। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि भारत को अमेरिका और पश्चिमी देशों पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए। भारत इस संगठन का हिस्सा बने बिना भी इन देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को अमेरिका की इस चाल में नहीं फंसना चाहिए।